नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। कपूरथला फत्तू डिंगा रोड पर महिंद्रा बुलेरो गाड़ी की कार के साथ हुई भीषण टक्कर, 3 की मौत, 25 घायल। जीरा के कस्बा मक्खू के नजदीकी गांव लहराबेट में कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई भीषण टक्कर, बाप बेटे की हुई मौत। और अब हलचल विस्तार से। कपूरथला फत्तूडिंगा रोड पर एक महिंद्रा बुलेरो गाड़ी की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 25 के करीब लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को एम्बुलेंस 108 के माध्यम से सिविल अस्पताल कपूरथला में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक महिंद्रा बलैरो गाड़ी में सवार सभी लोग तरनतारण के गांव नंगली के रहने वाले हैं और श्री आनंदपुर साहिब से माथा टेकने के बाद गांव लौट रहे थे कि रास्ते में फत्तूडिंगा के मुंडी मोड़ पर इनकी वरना कार के साथ टक्कर हो गई, जिस कारण दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हो गए। तो वहीं इस घटना में गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों और 2 अन्य मरीजों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अमृतसर रेफर किया गया है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉਹ ਮੋੜ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਸੰਭਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜੀ। ਅੱਛਾ। जीरा के कस्बा मक्खू के नजदीकी गांव लहराबेट में कार और मोटरसाइकिल के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बाप और बेटे की मौत हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के रिश्तेदारों ने बताया कि ये दोनों बाप बेटे अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव बुल्ले से पट्टी की तरफ जा रहे थे। जब ये मक्खू के नजदीकी गाँव लहराबेट के नजदीक पहुंचे तो सामने से आ रही एक कार के साथ इनकी टक्कर हो गई। ये हादसा इतना जबरदस्त था कि मोटरसाइकिल सवार बाप बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं सिविल अस्पताल में तैनात डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि एक एम्बुलेंस के माध्यम से उनके पास एक शव पहुंचा था और उसके लगभग 1 घंटे बाद एक और डेड बॉडी मृतक के रिश्तेदार सिविल अस्पताल जीरा में लेकर आए थे। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में रखवा दिया गया है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। साढ़े को पहला एक टॉल जिहड़ा हैगा अपना कोट ते मक्खू रोड दे उत्ते उन्होंने एम्बूलेंस में एक पेशेंट लेके आंदा गया सी, ब्रॉड डेडी सीगा, रोड एक्सीडेंट दस्या जांदा हैगा, मल्टीपल इंजरी सी, फ्रैक्चर सी जे उहदे। ते उदों घंटे को बाद एक होर पेशेंट लेके आंदा गया, सेम उन्होंने अपना रिलेटिव सीगे जो पहला लेके आए सी बॉडी, उन्होंने ही लेके आंदा गया, वह भी ब्रॉड डेडी सीगा। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡੈਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰਜਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਲੜਕਾ, ਚਾਚੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨ ਤਰਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਹੋਣੀ, ਗੱਡੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਲ, 17-18 ਸਾਲ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈਂਦੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? 35 ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈਗੀ 17-18 ਸਾਲ। गत दिनों सोशल मीडिया पर चली अमृतसर के हाल गेट फ्रूट मंडी की वीडियो पर तुरंत एक्शन लेते हुए अमृतसर स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से दुकानदारों के सैंपल भरे गए, एक्सपायरी और फफूंदी लगे सामान को नष्ट किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के असिस्टेंट कमिश्नर राजेंद्र पाल सिंह द्वारा दुकानों पर चेकिंग की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से मिली जानकारी के चलते ये कार्रवाई की गई है ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना किया जा सके। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अगर उनके द्वारा लोगों के स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़ बंद ना किया गया तो उनके ऊपर बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो, सानू एक व्हाट्सएप के उत्ते मीडिया के थ्रू पता लग गया कि जिहड़ा इमली दे विच इशू आ रहा, इमली जिहड़ी है वह खराब और फंगल ग्रोथ वाली जिहड़ी है वेची जा रही है। सो इस दे मुतल्लक अज असीं इत्थे हाल गेट के नीचे जिहड़ी फ्रूट मंडी है उत्थे असीं सैंपलिंग की सी। सैंपलिंग दे विच असीं जिहड़ी इत्थे अज दो दुकानां ते सैंपलिंग की है और इत्थे असीं देखिया कि इन्हां ने जिहड़ी आ इमली है, इमली दी जिहड़ी रख रखाव है वह रेफ्रिजरेटर दे विच करनी सी, 2 तों 4 डिग्री सैल्सियस दे उपर रखनी सी
पर इन्होंने बड़े बाहर ही रखा हुआ रूम टैंपरेचर जिस करके जी फंगल ग्रोथ हो गई है और जी सारी इमली है खराब हो गई है। असी सारी जी इमली है उसनों डिस्ट्रॉय करके और जोड़े सैंपल है वह लै लिया। दुकान का नाम हूँ जिदा ये पिछे पे हुए कहन ये हैगी हाल गेट पुरानी सब्जी मंडी है तो जिदा हमने वेखो कैन पे हुए जे कैन कहते कि एक्सपायर है साढ़े वो खाने जो वेखो पिछे कितने नहीं नज़र आता एक्सपायरी ना उन्होंने कोई चीज़ में हाथ लगता ना कुछ होंगे क्योंकि साढ़ा सर वेखो जे आप वेची आप क्यों वेची साढ़े जब कंपनी ही माल वापस लै रही है आप क्यों वेची तुम दसो तो आखियो आ जोड़ा इन्होंने नुकसान किया केंद्र ये वेखो कक्सपायरी हैगी है फैबरी 2026 ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੈਗੀ ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ ਸਰ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਆਹੋ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਡਿਗਲ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੜੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਸੀ 2025 ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਵੇਚਣ ਡੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਨੇ ਲੰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫ੍ਰਿਜ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਏ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵਾਂ ਕੋ ਲੇਕਰ ਫਗਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਚੌਂਕ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀ ਗਈ ਤੋ ਵਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ੋ ਕੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਲੋਗੋ ਸੇ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 50,000 ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਨਕਦੀ ਲੇਕਰ ਨਾ ਚਲੇ तो वहीं उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि जिन लोगों के पास लाइसेंसी असला है वे इसे संबंधित थाना में जमा करवा दें। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी लाइसेंस होल्डर अपना असला जमा नहीं करवाता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और उसके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई भी की। ये चोन संबंधी लाया जी क्योंकि तो चोन जाबता जो लग चुका वा ये मानयोग सीनियर अफसर के हदायत मुताबिक नाकाबंदी चल रही है कोई शक्की व्यक्ति या कोई यहोजा कोई परसन जो अथराइज नहीं है जिमें कैश या लिक्विड या कोई यहोजी नशे वाली धंधा जरा उन्होंने संबंधी लाया है जो चोणों में मद्देनजर रखते हो आप 50,000 कैश ले सकते उस तो वो नहीं लगे आप 13-13 हट्टी 120 फुटी रोड चालंदर की ओर से एक अत्यंत प्रेरणादायक पहल के रूप में गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क पुस्तक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 480 परिवारों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की गईं। इस मौके पर सभा के सदस्यों ने बताया कि शिक्षा के महत्व को समझते हुए 13-13 हट्टी ने इस प्रयास की शुरुआत की है जिसमें पुस्तकों के वितरण के साथ परीक्षा की तैयारी के लिए कॉपियां आधे दाम पर और स्टेशनरी का सामान निःशुल्क वितरित किया गया है। ये कार्यक्रम गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने का प्रयास है। इस मौके पर अमित संधा और सौरभ सेठ विशेष रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर जसविंदर सिंह, परमिंदर सिंह, कार्तिक, आर्यन, हरमन सिंह, हरमीत सिंह, बखविंदर सिंह, अमन सिंह, अरमान, दिवांशु, मानिया, आरुषि, अमनदीप सिंह, दमनजोत, सोनिया, अमरजीत कौर, यादविंदर सिंह, जितेंद्र पाल, 13-13 हट्टी के प्रधान तरविंदर सिंह रिंकू सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। 13-13 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 700 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LLB CA ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸਾਂ ਦੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਤਾਂ 120 ਮੀਟਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੇਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ 10 ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ 5 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 20 ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ 10 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 40 ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ 20 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਰੇਟ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ 13-13 ਹੱਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਿੰਕੂ ਭਾਅ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ LKG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ
ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੱਦੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੁਫਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੱਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾਲ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਕਲੱਬ ਕੇ ਸਦਸਯੋਂ ਵ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਓਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨਵੰਬਰ 2023 ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ ਔਰ ਅਬ ਇਸਕਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗਾਓਂ ਔਰ ਕਸਬੋਂ ਸੇ 20 ਟੀਮੋਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਸਕੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਮੇਂ ਟੀਮ ਅਸੀਮ ਔਰ RCC ਕੇ ਬੀਚ ਮੈਚ ਖੇਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਮੇਂ ਵਿਜੇਤਾ ਟੀਮ ਕੋ 11,000 ਰੁਪਏ ਔਰ ਟਰਾਫੀ, ਜਬਕਿ ਹਾਰਨੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਕੋ 7100 ਰੁਪਏ ਔਰ ਟਰਾਫੀ ਦੇਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਕਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਬਾਬਾ ਹੰਦਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਰ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦੀ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਟੀਓ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਵੇੜੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਏਕਲਗੱਡਾ, ਬੰਡਾਲਾ, ਖਲਚੀਆਂ, ਰਈਆ, ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਾਨਾਵਾਲ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਮ ਦਾ ਅਤੇ RCC ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 11,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 7100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 8 ਪਹਿਰ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਓ ਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਏ ਹਸਤਾਕਸ਼ਰੋਂ ਕਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋ ਸੌਂਪਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵੇ ਆਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀਓਂ ਕੋ ਰੋਕਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਹਸਤਾਕਸ਼ਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਵੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਮੰਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਸਭੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬੋਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਨਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੀ ਤੋ ਉਨ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਤੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ 8 ਪੈਰ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰਮਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੋਲਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੇਹੱਦ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਕਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ 8 ਪੈਰ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੁੰਨੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ 99% ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਧ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਮੇਂ ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਮੇਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕਮਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਵੰਦਨਾ ਕੋ ਗਾ ਕਰ ਇਸ
भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायकों ने मां की सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अवतार गब्बी फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने शोक कमल एंड पार्टी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कुमार चंदन एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, नरेंद्र सहजपाल, चंदन मोहन डिंगरा ने कुमार चंदन एंड पार्टी को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अशोक शीतल, संजीव सानी, सोहन लाल, किरण कुमार, राजेंद्र मदान, जशपाल, गोवर्धन गोंधी, नरेंद्र शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 16 अप्रैल दिन मंगलवार को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर से दोपहर 2 बजे निकाली जा रही भव्य शोभा यात्रा के संबंध में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत संपर्क अभियान टीम के अश्विनी शर्मा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा और मनीष शर्मा ने श्री पवन मंदिर गुरु रामदास नगर जालंधर के पंडित गोविंद मिश्रा, अनीता मिश्रा, प्रियंका मिश्रा एवं प्रिया मिश्रा, श्री ज्योतिश्वर महादेव मंदिर गुरु रामदास नगर के पंडित पीताम्बर शास्त्री, जितेंद्र सिंह, प्रदीप कपूर एवं राजेश शर्मा, श्री त्रिशूल महादेव मंदिर अजीत नगर के पूर्व पार्षद गंगा देवी, पंडित समुद्र, स्वाति सिंह, निशांत, निश्चल बेरी, विजेंद्र कुमार, गुंजन कश्मीरी लाल, मंजीत कौर, निश्चय बेरी, सौरभराज, चंदवेल सिंह एवं धनवेल सिंह, श्री लाजवंती अमर मंदिर सेंट्रल टाउन गली नंबर 5 के महेंद्र कुमार, अरुण बजाज, अनिल प्राशर, प्रवीण कुमार, अजीब प्राशर, मन्नान शर्मा, पंडित सत्यनारायण एवं पंडित रमेश कुमार, श्री दुर्गा माता मंदिर सेंट्रल टाउन के पंडित हरिप्रसाद शर्मा, दिवेश शर्मा, सत्यम शर्मा एवं सृष्टि शर्मा से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभायात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को ये विश्वास दिलाया कि वे असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। कई दिन शोभा यात्रा देवी तालाब मंदिर से निकल रही है। ये देवी तालाब मंदिर उत्तर भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और देवी तालाब मंदिर की शोभा यात्रा निकलेगी, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और हम सब पूरे जालंधर वासी एकत्रित होकर के भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। आज बहुत ही खुशी का दिन है साढ़े बीच श्री शक्तिपीठ देवी तालाब वालों मंदिर वालों पूरी कमेटी मैंबर आए हैं। हर साल की तरह इस साल भी श्रद्धा दिन आए हैं। 16 अप्रैल को राम जी श्री राम जी जन्म उत्सव जी उन्होंने जोड़ी शोभा यात्रा कढ़नी है, वो सारे निमंत्र पत्र देते हैं कि तुम सारे इकट्ठे होकर भैन भरा सारे राम जी के आप जयकारा लगा के जाने हैं और उतनी इन्नी व्यवस्था कितनी होती है कि हर जगह च जल का प्रबंध, लंगर का प्रबंध और नाले बच्चों के ध्यान रखना, बड़िया के लंगर ही लंगर और सारी सहायता मंदिर की कमेटी एदा ध्यान नाल करते हैं। मैं इस वालों अपने श्री श्री शक्तिपीठ के देवी तला के प्रधान श्री शीतल विजदा, श्री रजेश विजदा, श्री उन्होंने कमेटी मैंबर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। जय श्री राम करके कहते कि इदा ही हमेशा ही सानू अपने मंदिर के नाल जुड़ा के रखन, इदा ही सानू सेवा करन दा मौका करन, असी सारे इकट्ठे हो के बहुत उत्साह नाल पहुँचांगे। मैं उस दिन लई वेट कर रही हाँ, राम जी सानू इदा ही आशीर्वाद देख जावांगे। इस बार श्री राम जी की जन्म उपलक्ष्य जिहड़ी शोभा यात्रा करनी ये अद्भुत है,
चमत्कार है, देखने वाली है, क्योंकि अपने अयोध्या विच राम जी नूं उत्थे आपां उन्हां नूं दिखाए, उन्हां नूं मूर्ति स्थापना की और उहदे नां च सारी दुनिया अपने जलंधरों बाहरों सारियां ने बड़े बड़े कलाकार ने आके अपना भजन गाना है और उन्होंने आप भजन भी सुनने हैं, उन्होंने राम जी का प्रदर्शन भी करने हैं। जय श्री राम चंद्र जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में देवी तालाब मंदिर से जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी, श्री अमर मंदिर से जितने भी मेंबर हैं, प्रधान हैं, सभी लोग भाग लेंगे। जय श्री राम। सभी हम मंदिर कमेटियों से विनती करते हैं कि 16 तारीख को शोभा यात्रा श्री देवी तालाब मंदिर से निकाली जाएगी, उसमें बढ़ चढ़ करके सभी लोग हिस्सा लें। हमारा यही संकल्प है कि हम सब वहां चल करके बड़ी श्रद्धा से उस शोभा यात्रा का शुभ लाभ उठाएं। मैं पंडित हरिप्रसाद शर्मा बार बार विनती करता हूं और सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। सेवानिवृत्त एसपी चरणजीत सिंह बाबा अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर गुरु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास गुरु द्वारा श्री दुख निवारण नौवीं पातशाही जीटीपी नगर जालंधर में आयोजित की गई। इस मौके पर रागी जत्थों ने वैरागमय कीर्तन कर स्वर्गीय चरणजीत सिंह बाबा की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस अवसर पर जगजीत सिंह गाबा, सौरभ खुल्लर, अरविंदर सिंह, राजेश बग्गा, जसबीर सिंह बिट्टू, प्रदीप सिंह, प्रमोद लूथरा, ऋषभ गुजराल, अजमेर ठाकुर, परनीत सिंह मिहांस, पनप्रीत सिंह गाबा, अमित हस्तीर, बलराज ठाकुर, इंस्पेक्टर गगन बाबा, रश्मिंदर सिंह, अमरजीत सिंह रामाजी, दविंदर सिंह गरचा, गगनदीप सिंह घई, डीपीएस सहोता, बलविंदर, इकबाल सिंह, भाई सतबीर सिंह, रागी जत्था, डॉक्टर मनजीत सिंह, डॉक्टर विनय आनंद, रमनजीत सिंह और पारिवारिक सदस्यों में बेटा तरनजीत सिंह बाबा, परमजीत सिंह बाबा, गगन बाबा, इंस्पेक्टर रश्मिंदर सिंह सिद्धू, डीजीपी महल सिंह भुल्लर आदि कई पुलिस अधिकारियों सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय एसपी चरणजीत सिंह बाबा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। बच्चे भी साढ़े हैं, गगन नाल मेरे बेटे मनप्रीत सिंह होने पढ़े भी ने कट्ठे इन्हों का रहना सहना तो सारा परिवार अपना है। सरदार रूप सिंह महास के नाल इन्होंने बड़ा लंबा समा सेवा की। जो सरदार रूप सिंह अपने शरीर में सन तो उन्होंने कई बार इन्होंने गल्ला हुई बाबा जी ने गुरदासपुर सारे लै तो बाबा जी भी दसते होंगे सी मैं सरदार रूप सिंह जी बहुत लंबा समा सेवा की, बड़ा बड़ा प्यार है। मेरा भी उन्होंने बहुत प्यार से, उन्होंने बेटा प्रदीप सिंह जो है सॉरी बहुत वाला ट्रांसपोर्ट महकमे का ऑफिसर है, वह भी आया परिवार का हमदर्दी प्रगट करने वास्ते। तो मेरा उन्होंने घर सारे परिवार को प्यार, सतगुर कृपा करने परिवार का साढ़ा आपसी प्यार है बनया रहे, असी एक दूजे के दुख सुख के सहायक बन गए, क्योंकि जिंदगी इंसान जिंदा ही ता है कहा जा सकता है कि जरा किसी के काम को दुख सुख के नाल खड़ा हो। श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर मां का पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस मौके पर धाम के संस्थापक ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि हर शनिवार को सायं 6 बजे यज्ञ शुरू होता है
उन्होंने सभी भक्तों को कहा कि धन की नहीं धर्म की पूजा करें। उन्होंने लोभ लालच क्रोध मोह भय बुरे आचरण से दूर रहने की नसीहत दी ताकि जीवन सुख में रह सके। इस दौरान उन्होंने ये भी आवाहन किया कि 16 अप्रैल को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार से निकलने वाली विशाल शोभा यात्रा में वे सुंदर झांकियां ढोल ताशे व संख्य भक्तों सहित शामिल होकर भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। इस मौके पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा कुकन रोहित रणदेव रणबीर राणा देसराज शर्मा हरप्रीत सिंह साहिल गग्गू विशाल गिल अतुल कनौजिया ज्योतिषाचार्य गौरव गीता प्रीति कोमल सोनिया पंडित सुशील सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माता दी। मैं आचार्य इंद्र वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष किशनपुरा से सभी शहरवासियों को ये बड़े भाव से सूचित किया जाता है कि एक तो हर शनिवार को माँ चंडी का यज्ञ साप्ताहिक दुख निवार जो शनिवार को माँ चंडी के होता है तो इसको लगभग आज 4 वर्ष भी कंप्लीट होने लग पड़े हैं महारानी के आशीर्वाद से। बहुत सारे सज्जन बहुत सारे भक्त उस माँ काली के प्रताप से उसके आशीर्वाद से अपने कल्याण के लिए भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं आते हैं तो आज भी उसी कड़ी में माँ चंडी का विशाल यज्ञ किया गया। और सबसे ज़रूरी सूचना यह है आप जितने भी राम प्रेमी हैं भगवत प्रेमी हैं तो 16 अप्रैल को सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर से आदरणीय बाबूजी शीतल विज की अध्यक्षता में जो पवित्र और बहुत विशाल शोभा यात्रा भगवान राम जी की निकाली जा रही है तो मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना है अनुरोध है कि उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने जीवन को सफल बनाए। यात्रा का मतलब होता है शोभा यात्रा का भी मतलब होता है भगवान की शोभा यात्रा में जाना अपने आप को परमात्मा को समर्पण कर देना ये भाव होता है। तो आगे पीछे बहुत कुछ करते रहते हैं ऐसे मौक़ों का बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि इस बार तो और बहुत ज़्यादा जोश से जाना चाहिए क्योंकि भगवान श्री राम जी का आगमन भी अयोध्या में हुआ है तो इसलिए पवित्र स्थान शक्तिपीठ से शोभा यात्रा में आप बढ़ चुके हिस्सा लें। कालिका धाम से भी हर वर्ष ही इस विशाल शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्से ले जाते हैं। इस बार भी बहुत सारे भक्त सज्जन रथ से गाड़ियों से पैदल तो यहाँ से यात्रा निकाली जाएगी। उसके पहले कालिका धाम में 11 बजे लगभग लंगर का आयोजन होगा उसके बाद यहाँ सब लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर शोभा यात्रा के लिए प्रस्थान होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर। फिर कपूरथला फत्तू डिंगा रोड पर महिंद्रा बोलेरो गाड़ी की कार के साथ हुई भीषण टक्कर 3 की मौत 25 घायल। जीरा के कस्बा मक्खू के नजदीकी गांव लहरा बेट में कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई भीषण टक्कर बाप बेटे की हुई मौत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।